जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एबेक्सिया लाइफ के लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। एबेक्सिया लाइफ के लिमिटेड के बारे में आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक अब लोअर सर्किट में चल रहा है, और जब कोई स्टॉक लोअर सर्किट में चलता है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। तो इस वीडियो में लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें लोअर सर्किट कब तक चलेगा। आसान भाषा में कहें तो इस कंपनी का शेयर प्राइस जो नीचे की तरफ जा रहा है वो नीचे की तरफ मतलब और कितना नीचे जाएगा, कहाँ पर जाके इसका प्राइस ठहरेगा, और फिर वहाँ से रिवर्स मार्केट प्राइस उठना ऊपर की तरफ शुरू होगा, और नए लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है वह भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। अभी देखेंगे 2.84 रुपये प्राइस ने अपना क्लोजिंग दिया है, तकरीबन 4.5% के आसपास गिरावट के साथ। मैं एक दिन की बात करूँगा, एक दिन में देखेंगे चूंकि लोअर सर्किट लगता है तो तकरीबन 4-5% का ही लोअर सर्किट लगता है। वहीं पर पिछले एक सप्ताह की बात करें यानी पिछले 5 दिनों में, तो 5 दिनों में तकरीबन 5% के आसपास से स्टॉक टूटा है, ज़्यादा नहीं टूटा है। और एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में देखेंगे अभी भी स्टॉक का पंप ग्रीन में ही दिखाई देगा, यानी कि एक मंथ का रिटर्न भी आपको पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है तकरीबन 12.5% के आसपास। और अभी भी देख सकते हैं इस कंपनी का ग्राफ आपको ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखाई देगा। पिछले 6 मंथ का रिटर्न भी आपको मतलब ग्रीन में ही दिखाई देगा, तकरीबन 75-76% के आसपास स्टॉक आपको पिछले 6 मंथ में अभी भी चढ़ते हुए नजर आएगा। यानी कि लंबी अवधि का जब इसका आप चार्ट देखते हैं तो उसमें अभी स्टॉक मतलब पॉजिटिव साइड में जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग एबेक्सिया लाइव करके सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं, ताकि चार्ट देखेंगे तभी हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है और कितना नीचे जा सकता है और ऊपर कब उठेगा। उसके बाद बाकी चीज़ों पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ। 1 साल का चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे फरवरी 2023 इस कंपनी का शेयर प्राइस उठना शुरू हुआ। फरवरी 2023 से उठने के बाद इस कंपनी का प्राइस किया 2.40 रुपये तक। यहाँ तक प्राइस यहाँ तक जाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर प्राइस घूम फिर कर वहीं के आसपास आया, और वहाँ से फिर प्राइस जब ऊपर उठा तो फिर प्राइस 3 रुपये के आसपास आपको जाते हुए दिखा। अभी देखिए 3 रुपये से लेकर 2.80 रुपये इसी के बीच में आपको इसका प्राइस घूमते हुए नजर आ रहा है। और ये जो लेवल देख रहे हैं जहाँ से इस कंपनी का शेयर प्राइस घूमना शुरू हुआ, 12 मई का दिन है, 12 मई के दिन से स्टॉक में लोअर रेट लगना शुरू हुआ था। और अभी देखिए क्रूशियल जोन पर है, क्योंकि अभी भी अपने टॉप पर ही, प्राइस टॉप से नीचे नहीं आया। ये जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है 2.80 रुपये, इस लेवल को तोड़कर यदि इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आता है तब 2.60 रुपये तक आ सकता है। 2.60 रुपये तक आने के बाद मुझे उम्मीद है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स मारकर फिर ऊपर की तरफ उठेगा। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी दिनों से जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो कोई भी शेयर किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस लगता है ऊपर की तरफ नहीं जाता, थोड़ी बहुत नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका प्राइस भी देखेंगे तो यहाँ से प्राइस उठकर तकरीबन यहाँ तक गया था, तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी जरूरी भी है, उतनी चिंता की बात नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी इस कंपनी के Q4 के नंबर आने बाकी हैं। देखिए अभी इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इसमें अभी आपको सिर्फ दिसंबर क्वार्टर तक का ही रिजल्ट दिखाई देगा, यानी कि मार्च क्वार्टर रिजल्ट अभी नहीं आया। और दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले क्वार्टर से इस कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर में सेल्स हुआ था वो अभी ज़्यादा हुआ था, इसलिए Q4 का नंबर मायने रखता है। Q4 का नंबर यदि आता है तो उसमें मुझे पूरा उम्मीद है कंपनी का जो सेल्स है और प्लस जो प्रॉफिट है दोनों आपको बढ़ते हुए दिखेगा। क्योंकि यदि यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट को यहाँ पर देखेंगे, कंपनी के जो दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ था वो 1 करोड़ में चला गया था, जहाँ पहले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो लॉस में थी, और उसके बाद धीरे धीरे कंपनी लाख मतलब इसका प्रॉफिट आने लगा। लेकिन अब दिसंबर क्वार्टर देखेंगे तो करोड़ों में इस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए Q4 का नंबर मायने रखता है। क्योंकि Q4 के नंबर में कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ते हुए दिखेगा, और Q4 का नंबर किसी भी कंपनी के लिए उस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर का नंबर होता है, तो काफ़ी मायने रखता है। इसलिए आपको Q4 का नंबर आने का इंतजार करना चाहिए। ये नंबर अच्छे आते तो शेयर प्राइस में एक और लंबी जंप आपको देखने को मिल सकती है। बाकी एबेक्सिया लाइफ करके दूसरे फंडामेंटल जैसे इस कंपनी का मार्केट कैप 150 करोड़ के ऊपर की है, काफ़ी शानदार बात है, और इसका शेयर प्राइस बुक वैल्यू से अधिक है, यह भी अच्छी बात है। तथा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूव देखेंगे तो यह भी माइनस में नहीं है। ओवरऑल फंडामेंटल कंपनी का काफ़ी बढ़िया है और धीरे धीरे मजबूत ही हो रहा है, इसलिए हमें इस कंपनी में बने रहना चाहिए यदि इन्वेस्टमेंट है तो। और नए व्यक्ति जो लोग न्यू हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, Q4 का नंबर आ जाने दीजिए या शेयर प्राइस थोड़ा और नीचे आ जाने दीजिए, वहाँ पर आप इसमें थोड़े पैसे अपने रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ एबेक्सिया लाइफ के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल हुआ तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ट्रेडिंग करके यदि रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पेमेंट स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।